बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर अरिया के कारण मौसम में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। आसमान में छाए बादल व 10 किलोमीटर की रफ्तार से चली नमी युक्त पूर्वा हवा के कारण से भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि भारी मॉनसून देखने को नहीं मिली, लेकिन दिन भर आसमान में छाए बादल व हवा के कारण तापमान में 5 डिग्री की गिरावट जरूर हुई। बता दें कि बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार यानी कि आज भी इसी तरीके के मौसम बने रहने का पूर्वानुमान जताया है। सुबह से आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर के बाद तेज हवा चलने के साथ साथ मेघ गर्जन, वज्रपात व बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्णिया मौसम केंद्र में मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर अरिया के कारण मौसम में बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि सुबह से आसमान में छाए बादल व नमी युक्त चलने वाली पूर्वा हवा के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। आसमान में छाए बादल के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार की दोपहर के बाद हल्की फुल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। दोपहर बाद हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिल सकती है। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण एक बार फिर से मॉनसून के एक्टिव होने की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण एक बार फिर से मॉनसून के एक्टिव होने की संभावना बनी हुई है। 28 जून से एक बार फिर से मॉनसून की अच्छी उम्मीद पटना में जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।